फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं जल्दी जल्दी सुबह जा रही हूँ दुकान, क्योंकि अभी बज रही है 9:30 और हैप्पी भैया है नहीं शॉप पर, तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि आगे वाली शॉप फिर खोलनी भी है और सब अरेंज भी अच्छे से करना है। तो चलिए चलते हैं शॉप पर। और ज्योति भी आ गई है शॉप पर, शॉप के बाहर खड़ी है, शॉप मंगल है इसलिए। मैं आ गई हूँ शॉप पर और यहाँ पर कर देती हूँ थोड़ा बहुत जो भी है क्लीन, क्योंकि मेन रोड पर है शॉप तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, थोड़ी साफ सफाई की जाए। साफ सफाई हो गई है, अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मुझे कुछ काम है शॉप पर तो वो कर देती हूँ कंप्लीट और फटाफट से निपटा के फिर आपसे मिलती हूँ। मैं आ गई थी शॉप पे, तो अभी जा रही हूँ घर खाना वगैरह बनाने के लिए। अभी लगभग 12 बजने वाली हैं, तो एक बार जाऊँगी सब्ज़ी मार्केट और फिर जाऊँगी सब्ज़ियाँ लेके घर और फिर बनाऊँगी खाना, और खाना वगैरह खा करके फिर वापस आऊँगी शॉप पर। हैप्पी भैया, हैप्पी भैया नहीं है इसलिए आगे पीछे सब जगह पर मैनेज करना पड़ रहा है, ज्योति है इसलिए हेल्प हो गई है। तो ज्योति अभी यहाँ पर सैलून शॉप पर बैठेगी और हम जाएँगे घर। तो चलिए, हाँ आ गया काच वाला, ठीक है देख। हाँ नहीं टेढ़ा है थोड़ा सा और। ये काच यहाँ पे आएगा। अरे भाई अभी तो यहाँ की साइज है, इतना बड़ा काच कहाँ पीछे थोड़ी लगेगा कहीं। यहीं की साइज है, देखो पता नहीं है काट के दे है, देख लेता, देख लो। फिर तुम भाग जाओगे यहाँ से। हम जा रहे थे घर पर घर पर जाने से पहले आ गए थे ये मिरर लगाने वाले भैया, जो कि इसके बीच में था इतना गैप, तो इसको फिल करने के लिए हमने एक मिरर लगवा दिया है ताकि सामान और ज़्यादा रख पाए, तो इसीलिए ये काम हो गया कंप्लीट। अब जाते हैं घर पे और घर पे जाके काम करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है चलो, खाना वगैरह सब हो गया है, वापस से जाना है शॉप पर। चिकू को बुलाया है पर चिकू शायद शॉप पर बिजी है इसलिए, तो चलिए एक बार इस शॉप पर जाते हैं पता करते हैं। शॉप पर जैसे ही आई नॉन स्टॉप थे कस्टमर, तो अब सब ऑर्डर्स को अभी निपटा है और अभी बज रही हैं 4:45। तो अभी यहाँ पर शॉप पर आई हूँ, अगर अभी यहाँ पे कोई कस्टमर आएगा तो उसका अटेंड करेंगे, नहीं तो कुछ दूसरा भी काम है वो भी लेके बैठती हूँ। तो चलिए काम दूसरे करते हैं। और अभी शॉप करोगी जो यानी ऑफर चल रहे थे वो हो गए फिनिश, अभी कुछ न्यू प्रोडक्ट्स और आने वाले हैं तो आपको और नए नए एक्साइटिंग ऑफर्स और मिलेंगे। और अभी न्यू परफ्यूम्स अजमल के जो लॉन्च हुए हैं वो आ गए हैं, ये है और कहाँ गया, ये है और ये वाला है और कहाँ गया, और कहाँ गया, और कहाँ गया, हाँ एक ये है फ्रिक्शन। चारों की फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत मज़ेदार है, तो इसी के साथ हम यहाँ पर आपको छोड़ देते हैं। अभी बज गई हैं 6 और बस अब मंगल करते हैं और घर पर जाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, शांति से खाते हैं, क्योंकि सुबह भी भागते भागते ही खाया था, अच्छे से खा नहीं पाई थी। और अभी आगे हैप्पी भी अभी नहीं है और पीछे का भी काम कंप्लीट हो गया है, तो पीछे जब सैलून का क्लोजिंग रहता है तभी आगे का भी कर देंगे, क्योंकि घर जाना है। तो चिकू आ गए लेने के लिए और क्लोजिंग करने के लिए, तो चलिए चलते हैं घर पर और घर जाके आपसे मिलते हैं। अभी बन रही है खिचड़ी खाने में और मैं थोड़ी सी हो गई हूँ लेट, क्योंकि रेस्ट करने लग गई थी, कमर वगैरह दुख रही थी इसलिए। तो टाइम हो गया लगभग कितना हुआ है, 8 बज गई है, तो आज खिचड़ी ही बना देती हूँ, आज खिचड़ी बना देती हूँ। और साथ में बन रहे हैं कुछ घी का वगैरह लड्डू, जो मैंने अभी नारियल वगैरह पीस के रख दिया है, और दूसरा जो भी प्रिपरेशन करनी है वो भी साथ साथ में होता रहेगा। एक बार खिचड़ी पका देती हूँ। यहाँ पर खिचड़ी बन रही है और कपड़े समेट देते हैं, 2-3 दिन के है हो गए हैं इसलिए, तो कपड़े समेट के फिर मिलते हैं आपसे, कुछ और नया काम करेंगे तो देखना। खिचड़ी बन गई है और खिचड़ी अभी हम खाने बैठे हैं। क्या क्या खा रहे हैं देखो, खिचड़ी और खाकरा,
बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो ये बस मैं अब खा के फिर आपसे मिलती हूँ। अंदर है किचन में कुछ और काम, वो भी आपको बताएंगे। हम लड्डू बनाने जा रहे, तुमको खाई का कम या डाइट चल रही है ना इसलिए। तो अब हम बनाएंगे अभी लड्डू, और लड्डू भी सर्दी वाले हैं जो कि अभी मानसून सर्दी वाले ही लड्डू है ये। हाँ, पर ये अभी मानसून में बन रहे हैं तो बताते हैं आपको। चलिए कैसे बनते हैं ये, कैसे क्या आधी अधूरी तैयारी हो गई है, जो बचा कुचा है वही मैं बता पाऊँगी। प्रॉपर अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ठंड आने दो। अगर प्रॉपर रेसिपी चाहिए थोड़ा ठंड रखो, ठंड आने भी दो। अभी सिर्फ ये मानसून वाले इसलिए आधे अधूरे बता रहे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स में नारियल आ गए, काजू आ गए, बादाम आ गए, अखरोट आ गए, पिस्ता आ गए, ऑल ओवर सारे जो भी सूखे मेवे होते हैं वो है इसमें। ये है हमारा घी, ये है गोंद जो पीस चुका है, और ये है मेथी, और ये कढ़ाई। अब प्रोसेस होगा लड्डू बनने का। घी हो रहा है गरम, ये कूट चुका है। ये हमारा लड्डू का आटा बनके तैयार है। इसको बनाया गया है पूरा लड्डू की तरह, पर ये है आटा ही आता, यानी और तो क्या बोलते हैं वो मुझे भी नहीं पता है, पर ये है आता ही है। इसको हमने बांधा नहीं है इसलिए आता बन गया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। और बस ये अब रोज़ ब्रेकफास्ट में खाया जाएगा और इन्जॉय किया जाएगा। और इसको ना लड्डू बोल सकते हैं ना आता बोल सकते हैं, ये कम्प्लीट यानी दोनों का मिक्स एंड मैच बना है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, इसलिए बोल रही हूँ। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो ठंड रखो और ठंड आने दो, फिर आपको प्रॉपर रेसिपी देंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि मैं और चिकू कर रहे हैं काम जो कि कल से हमारा ड्यू था, तो आज हो जाएगा लगभग फिनिश। सो ओके बाय, अब मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे ब्लॉग में। शॉप करो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, कर देना डाउनलोड, और मुझे कर देना इंस्टाग्राम पर फॉलो, रोमा निपेश मेरी आईडी है, कर दो फॉलो। मैं रोज की रोज अच्छी अच्छी स्टोरी भी डालती हूँ, देख सकते हो, रील्स भी बनाती हूँ, वो भी देख सकते हो, और लाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। बाय।